दोस्तों आईपीएल 2025 के एडिशन के लिए अब यहाँ पर सभी 10 टीमों के नए कप्तान फाइनलाइज हो चुके हैं। जहाँ पर आईपीएल 2025 के एडिशन से पहले हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, तो मेगा ऑक्शन और आईपीएल से पहले अब सभी 10 टीमों ने अपने नए कप्तान यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया। आपको इस वीडियो में हम वन बाय वन सभी 10 टीमों के नए कप्तान बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से यहाँ पर ये कन्फर्म्ड हो चुका है, एक बार फिर से हार्दिक पांड्या इस टीम को लीड करेंगे। पांड्या को कप्तान के तौर पर मुंबई ने यहां पर दोबारा से रीअपॉइंट करने का यानी रिटेन रखने का फैसला लिया, जहां पर 100 करोड़ से भी अधिक रुपए देकर मुंबई की टीम हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाई थी। तो एक खराब सीजन होने के बाद भी इन पर ये टीम ट्रस्ट शो कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की, तो पंजाब तो पिछले 10 साल से प्लेऑफ्स में नहीं जा पाई है, इस वजह से अब धवन की जगह यहां पर सूर्य कुमार यादव को ये टीम कप्तान बना रही है। सूर्य कुमार यादव के साथ ये टीम बातचीत कर चुकी है, सेटलमेंट कर चुकी है। सूर्य मुंबई से अब रिलीज हो रहे, इवन रोहित शर्मा ही मुंबई से रिलीज हो रहे। तो कुल मिलाकर अब सूर्य मेगा ऑक्शन में आएंगे, से पंजाब इनको परचेज करके नया कप्तान अपॉइंट करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग पंजाब का ये सही फैसला होने वाला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि यहाँ पर गुजरात के कप्तान खुद शुभमन गिल ने इस टीम को रिकमेंड किया। आशीष नेहरा गिल ने रिकमेंड किया कि यहाँ पर रोहित शर्मा को ये टीम परचेज करके उनको कप्तान बना ले, एटलीस्ट 1-2 साल उनको कप्तान रखे, ताकि यहाँ पर जब तक रोहित शर्मा की करियर के शायद 2 IPL बचे और यहाँ तक शुभमन गिल को भी सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर रोहित शर्मा अब यहाँ पर गुजरात रोहित शर्मा को परचेज करेगी, रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली इस टीम को लीड करेंगे। इसके साथ ही यहां पर शुभमन गिल यहां पर रोहित शर्मा के साथ वाइस कैप्टन का रोल हमें अदा करते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप गुजरात के इस फैसले से संतुष्ट हो या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई की तरफ से तो यहां पर MS धोनी और यहां पर चेन्नई मैनेजमेंट कंफर्म्ड कर चुकी है गायकवाड़ ही कप्तान के तौर पर कंटिन्यू रहेंगे। अभी ये टीम कप्तान में कोई बदलाव नहीं करेगी, गायकवाड़ अगले साल भी इस टीम की हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के लिए पैट कमिंस कप्तान के तौर पर काफी सफल रहे, फाइनल तक इन्होंने टीम को क्वालिफाई कराया था। तो यहां पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, पैट कमिंस ही इस टीम को यहां पर लीड करते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता को तो यहां पर सुरेश अय्यर ने काफी बेहतरीन कप्तानी से आईपीएल का विजेता बनाया था, आईपीएल 2024 के एडिशन में यहां पर चैंपियन बनाया था। तो यहां पर सुरेश अय्यर कप्तान के तौर पर कंटिन्यू रहेंगे, यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी कंफर्म्ड है कि ऋषभ पंत ही इस टीम को लीड करेंगे। हालांकि पंत पिछले 3 सालों में कप्तान के तौर पर कभी भी इस टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए, इसके बावजूद एक और साल ये टीम यहां पर पंत पर ट्रस्ट करेगी। तो पंत एक बार फिर से इस टीम को यहां पर लीड करते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान की यहां पर मैनेजमेंट भी कंफर्म्ड कर चुके हैं कि भले यहां पर कुछ रूमर्स थे कि ये टीम कप्तान में बदलाव कर रही है, लेकिन कोई बदलाव नहीं करेगी। संजू सैमसन इस टीम को यहां पर हमें लीड करते हुए दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं RCB की, तो RCB की तरफ से अपडेट से कि RCB की टीम यहां पर KL राहुल के साथ कॉन्टैक्ट में और KL राहुल को ये टीम अपनी टीम में शामिल करेगी। मेगा ऑक्शन में KL राहुल को अपनी टीम में लेकर इनको ये टीम कप्तान बनाएगी। तो KL राहुल अब मोस्टली यहां पर RCB को हमें लीड करते हुए दिखेंगे, ये पूरी तरीके से अब तय लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट, तो लखनऊ को KL राहुल छोड़ रहे, इवन ओनर के साथ लड़ाई के बाद अब उस टीम के साथ कंटिन्यू नहीं रहेंगे और ये टीम यहां पर केन विलियमसन से कॉन्टैक्ट में। तो विलियमसन को ये टीम यहां पर मेगा ऑप्शन से लेकर कप्तान अब बनाएगी, कप्तानी सौंपेगी। तो कुल मिलाकर विलियमसन अब लखनऊ सुपर जायंट्स को हमें लीड करते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग लखनऊ का और बाकी टीमों का सही फैसला है या फिर नहीं। आपको सबसे बढ़िया कौन सी टीम का यहां पर कप्तान बनाने का फैसला लगा, आपके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रांग कौन सा कप्तान है, सबसे वीक कौन सा कप्तान है, आप कमेंट जरूर करें।